क्या भारतीय रेलवे में बिना परीक्षा दिए आपकी नौकरी लग सकती है? आइए हम इस वीडियो को देखें और समझें कि क्या ऐसा संभव है। भारतीय रेलवे श्रमिक संघ BRM GSS के सभी मधुर बंधुओं को मेरा सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, वणकम, गुड मॉर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज मैं सभी श्रमिकों को दो महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझसे पूछे जाते हैं कि इस संघ के माध्यम से हम कैसे रेलवे में नौकरी पा सकते हैं। दूसरा सवाल होता है कि यह नौकरी कब तक मिलेगा। दोनों सवालों के जवाब मैं विस्तार पूर्वक देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखें, वे ही देखें जो अपने आप को भारत का नागरिक कहते हैं और रेलवे में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला सवाल है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम में रजिस्टर्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपको भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के फॉर्म को भरना पड़ता है, जिसमें एक एफिडेविट लगता है जो कि आपके सिविल कोड से 20 रुपए के स्टैम्प पेपर में एफिडेविट बनाकर अपने पास रख लें। उसका स्पेसिमेन मैं इस वीडियो में डाल रहा हूं, उसे देख के बना लें। दूसरा, जो फॉर्म है उसे सही सही तरीका से भर लें। अपना अंगूठा का निशान, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, आधार कार्ड इत्यादि को सही सही भरेंगे, और जब ये भर दिए जाएं तो 12 फोटो के साथ और आपके ब्लड ग्रुप का जो सर्टिफिकेट है उसे भी इसके साथ अटैच करके इसके रजिस्टर्ड कार्यालय में सबमिट करें। ऑनलाइन नहीं किए जा सकते हैं, आपको आना पड़ेगा और जमा करना पड़ेगा, और इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर विद इन 1 से 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि इसमें पैसे कितने लगते हैं। आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सरकार फंड नहीं देती है, ना ही कोई संस्थाएं इसको फंड देती है। श्रमिक बंधु ही इसका फंड को वाहन करते हैं। श्रमिक लोग हर एक महीने इसको फंडिंग करते हैं। मान लें कि ये लोग हर एक महीना 100 रुपए का फंडिंग करते हैं, तो हम जानते हैं कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ 1998 से आंदोलन कर रही है, वैसे ही आंदोलन कर रही है जैसे कि अभी हाल ही में किसानों ने, पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया और हमारे मोदी सरकार के उस कृषि कानून के विरुद्ध में आवाज उठाया और मजबूरन सरकार को उस आंदोलन के कारण कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। वैसे ही हमारे देश में किसानों के अलावा मजदूर भी हैं, और मजदूर 1998 से ही हमारे माननीय अरुण कुमार पासवान, जो हमारे पिता स्वरूप हैं, उनके चरणों तले, उनके कदमों तले ये संगठन का विस्तार होता चला जा रहा है। आज कहना चाहिए कि ये एशिया का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। मजदूर पूरे वर्ल्ड में हैं, लेकिन भारत में जो मजदूरों की संख्या है वो सबसे विशाल होने का गौरव हासिल किया है। ये दुखद है, अच्छी बात नहीं है कि मजदूरों को, जो मजदूरी करते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलता है। अब मैं जिस सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ वो है किस प्रकार से हमें कितने पैसे देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, 1998 से ये लोग, मतलब श्रमिक बंधुगण, लगातार 2022 तक संघर्ष करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो 1998 से लेकर 2022 तक कितने साल हुए? 20 से लेकर 22 वर्ष हुए। अब मान लें कि आप का जो संगठन का जो एक मजदूर फंडिंग करता है वो है 100 रुपीज पर मंथ, तो एक साल में 1200 रुपए होते हैं। तो आप 22 साल का कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपको लगेगा करीब करीब 22,000 से लेकर 25,000-30,000 के लगभग लगेगा। इतना ही आपको फंडिंग करना है, इससे ज़्यादा अगर कोई मांग रहा है तो वो गलत कर रहा है। संगठन को मजबूत करने के लिए फंडिंग की आवश्यकता होती है, चाहे वो कोई भी NGO हो, उसे फंड की जरूरत पड़ती है। हमारी मदर थ्रीसा, कोलकाता की मदर थ्रीसा, वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी चलाती थी, उसे कोई गवर्नमेंट मदद नहीं करते थे, लेकिन हाँ बाद में उन्हें ममता बनर्जी ने मदद किया और इस तरह से वे आगे बढ़ी। लेकिन ये भी एक संगठन है और उन लोगों का संगठन है जो बहुत ही दुखी अवस्था में जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं।
मजदूर जो कि इन दिनों ठेकेदार के अंडर में है, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे माल गोदाम श्रमिक। कल्पना करिए उस समय जब अरुण कुमार पासवान जी, माननीय अरुण कुमार पासवान जी बहुत यंग लड़का हुआ करते थे, और वे जब मजदूरों को देखते थे कि कैसे ठेकेदार सरकार से जो पैसा ठेकेदारों के पास आता था वो पैसा को मजदूरों को 5 रुपए के दर से आता था पर बोरा, मतलब एक बोरा उठाने पर 5 रुपए के दर से उनको देना था, लेकिन जो ठेकेदार होते थे वे 5 रुपए की जगह 1 रुपए पर बोरा देते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक मजदूर 500 बोरा प्रतिदिन उठाता था तो 500 रुपए ही उसे प्राप्त होता था, बाकी 4 रुपए ठेकेदार ले जाया करते थे। इस तरह से इनके दिल में, हमारे मसीहा श्री अरुण कुमार के दिल में एक जिज्ञासा जगा कि इनका कल्याण कैसे किया जाए, ये लोग अन्याय के मुक्त भोगी हैं, इनको कैसे आज़ादी का एक राह दिखाया जाए। जो लोग फाइनेंशियली डिमोलिश किए जाते हैं वे गुलाम में ही रहते हैं। तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उस दौरान वे हर एक माल गोदाम में साइकिल के माध्यम से विजिट करते रहे और मजदूरों को जागरूक करते रहे, और धीरे धीरे मजदूरगण, मेरे बंधु साथीगण, इस संगठन से जुड़ते गए। साथ ही साथ कुछ नोबेल स्वभाव के लोग, जिनमें बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े मंत्रीगण, इस संगठन से जुड़ते चले गए। पढ़े लिखे लोग जुड़ते चले गए, उन्हें नौकरी की आवश्यकता नहीं थी लेकिन मॉरल सपोर्ट की आवश्यकता थी, इसलिए वे जुड़ते चले गए। अगर आप अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं तो नैतिक मूल्यों को भारत में स्थापित करिएगा, तभी हमारा देश का विकास होगा। यही है सिद्धांत किसी देश के विकास होने का। और बहुत सारे हमारे सुपौल के DSP साहब वे भी जुड़े थे, और कई ऐसे गणमान्य व्यक्तिगण इस संगठन से उस समय जुड़े थे जब मैं जुड़ा था। 2003 की बात है, 1998 में बनी थी लेकिन मैं उस समय 2003 में 3-4 साल के बाद मैं इस संगठन से जुड़ा था। और धीरे धीरे ये आंदोलन चलता गया, कई बार रेलवे का घेराव किया गया, उस समय कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, UPA सरकार आई, NDA सरकार आई, सभी के समक्ष हमारे मजदूर बंधुगण लगातार आंदोलन करते रहे। और आज जब हम 2022 में हैं, आंदोलन सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। हमारे श्रम मंत्री का वीडियो को इससे पहले मैंने डाल दिया है कि यही आंदोलन ने हमारे देश के श्रम कानून को बदलने के लिए भारत सरकार को बाध्य किया। अब कल्पना करें, कोई दूसरा संगठन के दबाव के कारण हमारे भारत सरकार ने इस श्रम कानून को बदलाव नहीं किया, बल्कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के प्रयासरत आंदोलन के कारण इस कानून को फोर कोड में बदला। आज भारत के 40 करोड़ मजदूरों को इसका लाभ मिलने जा रहा है, जिसमें भारतीय रेलवे माल गोदाम भी एक हिस्सा है, जिसमें 8 लाख मजदूर है। 40 करोड़ मजदूरों को इसका लाभ मिलने जा रहा है, चाहे वे फैक्ट्री में काम करते हों, चाहे किसी स्कूल में काम करते हों, चाहे किसी डिपार्टमेंट में काम करते हों, सभी मजदूरों के लिए श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं। आप जानते हैं इस बात को, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के कारण हुआ है। तो फिलहाल हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि सभी मजदूरों को, उस जमाने में 5 रुपए बोरा दिए जाते थे, एक बोरा को ढोने पर 5 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब उन्हें 15 रुपए बोरा प्रति बोरा दिए जाएंगे, कहने का, और साथ ही साथ उनके अकाउंट में पेमेंट किए जाएंगे, ना कि किसी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनके हाथ में पैसे को दिए जाएंगे। उनका अकाउंट भारत सरकार के हाथ में रहेगा और डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जाएगा सभी मजदूरों का, ठीक है। ये है भारत सरकार का आने वाले कल का पॉलिसी। तो मान लें कि एक मजदूर 100 बोरा ही उठाता है, 15 × 100 बराबर कितना होता है, आप कैलकुलेट कर लीजिए कि वो प्रतिदिन कितना कमाएगा। एक IAS ऑफिसर से भी ज्यादा एक मजदूर कमा सकता है हमारे देश में। इसी की आवश्यकता है हमारे देश में, तभी हमारा देश विकास होगा। हम जानते हैं कि मजदूरों की वजह से किसी देश का विकास होता है, किसानों की वजह से किसी देश का विकास होता है। मैं शिक्षक हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि किसी मंत्री या ये लोग केवल पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वास्तविक विकास जो धरातल पे उतरता है मजदूरों और किसानों की वजह से होती है, और साइंटिस्ट भी है, विज्ञान भी है इसमें सम्मिलित। तो मैं एक बुद्धिजीवी होने के नाते एक देश जिसका नाम है इसराइल, उस देश से बहुत अधिक प्रभावित रहता हूँ, इसलिए रहता हूँ क्योंकि हमारे बिहार के क्षेत्रफल से भी छोटा देश वो है, लेकिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। वो देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, बावजूद इसके वो लोहा लेने के लिए तैयार रहता है। इसका एक वजह है,
कि उस देश में जो भी बच्चा जन्म लेता है या बच्ची जन्म लेती है उसे आर्मी का ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। लड़कियां भी आर्मी की ट्रेनिंग लेती हैं, महिलाएं भी लेती हैं और बुजुर्गगण भी लेते हैं, लड़कों को तो लेना जरूरी है। बिना आर्मी के ट्रेनिंग के वे सिविल सर्विस के एग्जाम में, चाहे रेलवे के एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में या राजनीति में या किसी सेक्टर में वे नहीं जा सकते हैं। उसी प्रकार अगर भारत में भी हर एक व्यक्ति को जो इस देश में जन्म लेता है उसे मजदूर का ट्रेनिंग के बिना सिविल सर्विस हो या डॉक्टर्स का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो या बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, किसी भी एग्जाम में बैठने की अनुमति ना देने का एक पॉलिसी अगर लाया जाए तो हमारा देश में मजदूरों का आदर सम्मान करना शुरू हो जाएंगे और कंपटीशन होने लगेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी मजदूर की ट्रेनिंग लेने शुरू करेंगे तो इन्वेंशन करने की जो ललक होगी कि कैसे मजदूरों को डेवलप किया जाए वो बातें आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पढ़े लिखे अगर मजदूर की ट्रेनिंग लेंगे तो नेचुरली साइंटिफिकली थिंकिंग करने की जो क्षमता है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और हमारा देश विकास करेगा। ये केवल मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, ये डिपेंड करता है हमारे देश की जनता और भारत सरकार के निर्णय पर, ये क्या निर्णय लेते हैं। सुझाव एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा अधिकार बनता है कि मैं सुझाव दूं। और आगे वीडियो देखें और समझें कि भारतीय रेलवे माल गोदाम ने हमारे देश के लिए क्या कमाल कर दिखाया। कहने का मतलब है दो बातों को ध्यान रखेंगे, अभी 15-20 दिन बाकी है, इस महीना के अंदर सभी रेलवे माल गोदाम के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा जैसा कि भारत सरकार ने निर्देश दिया है, रेलवे मंत्रालय ने निर्देश दिया है, श्रम मंत्रालय ने भी इसे निर्देश दिया है कि जितने भी मजदूर हैं उनका प्रोफाइल बनाकर श्रम मंत्रालय के पोर्टल के माध्यम से रेलवे मंत्रालय के पोर्टल में भेजना है, जो कि 28 फरवरी है। इससे पहले जो भी व्यक्ति इनिशिएट करना चाहते हैं वे इमीडिएटली भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का हिस्सा बन जाएं और अपने आप के लिए एक पद को सुरक्षित कर दें। कहा जा रहा है, जब मैं इनके लीडर्स लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि रेलवे माल गोदाम पैसेंजर ट्रेन से भी अधिक पैसा देता है। कैसे देता है? रेलवे को 3 सोर्स से पैसे आते हैं। पहला, वेंडर्स जितने भी दुकानें रेलवे स्टेशन पे बनी हैं वहां से 8% आता है। दूसरा, रेलवे पैसेंजर ट्रेन से आता है जो कि केवल और केवल 15% इनकम रेलवे के पैसेंजर ट्रेन से आता है और बाकी 65-68% इनकम रेलवे माल गोदाम से आती है। और जब से आजाद हुआ है भारत उतना बड़ा इनकम देने वाले सेक्टर को नकारता गया है, जिसका यही वजह है कि हमारा देश विकास नहीं होता है। जब हम अच्छा गाय जो दूध देता हो उसका ख्याल हम नहीं रखते हैं तब हमारे देश या हमारे परिवार में दूध की कमी होती है। हम लॉजिक को नहीं समझते हैं क्योंकि हमारे देश में मेटाफिजिक्स और लॉजिक की पढ़ाई बहुत कम होती है। मैं मेटाफिजिशियन हूँ, आई एम ए मेटाफिजिशियन, मैं जानता हूँ कि हाइएस्ट लॉजिक को मेटाफिजिक्स कहा जाता है। हम लॉजिक अप्लाई ही नहीं करते हैं जिसकी वजह से हम अन्य देशों की तुलना में बहुत पीछे हैं। कि अमेरिका में मजदूर नहीं है? हैं। रशिया में नहीं है? हैं। जापान में नहीं है? हैं। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? सभी देशों में मजदूर की वजह से ही उन देशों का विकास हो रहा है। हम पीछे इसलिए रहते हैं क्योंकि हम लॉजिक को, मेटाफिजिकल लॉजिक को अप्लाई ही नहीं करते हैं। हम अपने रैशनल कैरेक्टर को अप्लाई ही नहीं करते हैं। हमें अप्लाई करना होगा, भारत सरकार को अप्लाई करना होगा, हमारे परिवार में अप्लाई करना होगा, हर जगह रैशनल कैरेक्टर को अप्लाई करते हैं तब हमारा विकास का नियम लागू होता है। तो मुझे उम्मीद है आने वाले समय में एक अच्छे दिन मजदूरों के लिए आएंगे, तो इनिशिएट करिए और आगे बढ़िए। अगर किसी तरह का और भी जानकारी चाहिए होगा तो मुझे कॉन्टेक्ट अवश्य करें, मैं अवश्य जो भी जानता हूँ उसकी जानकारी आपको देता रहूँगा। आगे वीडियो देखें। उन्होंने अभी कहा कि श्रमिकों को नियुक्ति पत्र तक मिलेंगे, तो ये भी एक बड़ा, ये एक नियुक्ति पत्र हमें भी आश्चर्य हुआ। आवाज मत तो नौकरी नहीं मिलेगा, आवाज तो नौकरी मिलेगा। प्रारंभिक बातों की ओर, हमने आजादी के बाद के इतने वर्षों के बाद अभी तक इस दिशा में ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है ये ऐसा कदम है कि आने वाले समय में सबकी समझ में आएगा कि उनके हित के हिसाब से काम हो रहा है। आपने अभी कहा कि श्रमिकों को नियुक्ति पत्र तक मिलेंगे, तो ये भी एक बड़ा, ये एक नियुक्ति पत्र हमें भी आश्चर्य हुआ कि अगर जैसे हमारे देश के अंदर 40 करोड़ श्रमिक हैं हमें मानते हैं, 10 करोड़ बेश्रमिक हैं जिनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, पर बाकी 40 करोड़ जो बचा है उसके लिए कोई सुविधा नज़र नहीं आती है।
तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मैं किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा हूँ, मुझे नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, तो मैं कोई आगे की बात भी नहीं उठा सकता, ना कोई आपत्ति कर सकता हूँ, ना कोई सुविधा की बात कर सकता हूँ, और मालिक जब चाहे तब मुझको निकाल दे। तो इसलिए ये एक ऐसा कदम हो गया है जिसका लाभ सीधे मजदूर को मिलेगा कि उसको एक कम से कम नियुक्ति पत्र मिले, और दूसरी जगह जहाँ भी वो अगर जाना चाहे। महान है, मैं महान नहीं हूँ मेरे दोस्तों, मेरा बेटा जो रेलवे माल गोदाम में काम करता है वो हम पर विश्वास करके इतनी बड़ी लड़ाई लड़ा है, वो महान है और उसकी लड़ाई हम ले रहे हैं। उसको महानता के कारण, उसकी ताकत के कारण, उसकी एकता के कारण आज पूरे हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम कर्मी संघ का जय जयकार हो रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, इससे पहले भी हम आया था उत्तर प्रदेश में, रामू एक कार्यक्रम किया था सामू, और यही डॉक्टर साहब वहाँ अध्यक्षता कर रहे थे। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, अभी लोग कहता है कि कब होगा कब होगा, कुछ भी काम होने से पहले अपनी जो कमजोरी है, अपनी जो दुर्बलता है, उसको दूर करना होगा। आज मैं पूरे देश के मजदूरों का पंजीकरण का भारत सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया 7 दिसंबर 2021 को भारत सरकार श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया, जिसके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों को श्रम पोर्टल पे नाम दर्ज कराने का रजिस्टर कार्यालय को उद्घाटन किया जा रहा है। तो इसी कार्यक्रम के सिलसिले में प्रेस के माध्यम से हम जानकारी देना चाहते हैं कि ये डाटाबेस भारत सरकार को श्रमिकों का सरकारी पंजीकरण करके उनका पूरा डाटाबेस तैयार करके भारत सरकार के समक्ष संगठन सुपुर्द करें, ताकि पूरे भारत में विभिन्न रेलवे माल गोदामों में कितने वर्कर हैं, जिन तक ये कैबिनेट की बैठक में ली गई मंजूरी के बाद उन तक वो सारी फैसिलिटी सुविधाएं प्राप्त हो सके। अभी हमारा रेल मंत्रालय में इन मजदूरों का प्रति दर फिक्सेशन का भी है, जो आगामी बैठक में हमारी होगी, लेकिन वो उस समय हम मुझे पूरे अपने भारतवर्ष के रेलवे माल गोदाम के मजदूरों का डाटाबेस श्रम मंत्रालय के माध्यम से रेल मंत्रालय को सुपुर्द करना है। इसलिए हम लोगों ने आज हमारे संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी के सिमराही सुपौल जिला के अंतर्गत आवास पर हम लोगों ने मजदूरों के पंजीकरण कर जल्द से जल्द उनका काम संपन्न करें हम लोग, इसके लिए आज इस कार्यक्रम इस बैठक का परिप्रेक्ष्य रहा है। और हमारा लगभग दिल्ली प्रदेश से पंजीकरण उद्घाटन समारोह शुरू हुआ, और देश के विभिन्न राज्यों में भी हमारा जल्द से जल्द मजदूरों का पंजीकरण संपन्न हो, इस दिशा में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि संख्या लोगों की लगभग 8 लाख के आसपास है, और उन मजदूरों का संगठनात्मक तरीके से भी डाटाबेस और सरकार के पंजीकरण का भी काम है। तो इसको हम लोग जल्द से जल्द संपन्न करने के लिए अपने इस आवास में हम लोग मजदूरों का श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के नेतृत्व में यहाँ पे पंजीकरण का काम शुभारंभ किया। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम ऑल्सो आई एम गिविंग यू द इंफॉर्मेशन दैट दिस लेबर यूनियन BRMGSS has achieved the goal in 2022. It has been fighting since 1998, and now our union has achieved the goal. And in this video, I tried to prove that the labor that who have been working in different shed of railways, they are going to be regularized. It is a fact and real. Our Labor Minister has already given the statement in this video. I cannot translate his words, but you listen and just try to understand that he is saying that all the labor will get the appointment letter. That means they will be regularized. And this is a good news, especially those who don't understand from Tamil Nadu, Hyderabad, MP, and Jammu and Kashmir, Punjab, Odisha, Andhra Pradesh, Maharashtra, they must see this one and try to understand what exactly our
Santosh Gangwar said about it. And those who are saying that it is fake, just show this video to them so that their mouth may be shut. And thank you and God bless you. If any questions, queries will be there, just call me so that I may answer whatever I know, we know in our team, we will inform you. Thank you and God bless you. Jai Shramik. 28th February is the last date to be the part of Bharatiya Railway Mal Godam Shramik Sangh. 28 February 2022 आखिरी तारीख है कि आप भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि अब इस वीडियो से स्पष्ट है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम आने वाले समय में एक साधारण गोदाम नहीं रह जाएगा, बल्कि भारत सरकार के एक ऐसे स्वर्ण हार होगा जहां से हीरे, मोती और कई मुद्राएं उत्पन्न होंगे। अगर इसका हिस्सा बनना है तो यथाशीघ्र आप श्रमिक संघ से संपर्क करें और उसका हिस्सा बनकर अपने देश को उन्नति के राह पर ले चलें। धन्यवाद, थैंक यू। इस वीडियो को समापन करने से पहले एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज मैं हमारे भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को देना चाहूंगा, साथ ही साथ भारत के नागरिक जो इस संगठन में अपना रुचि रखते हैं उनको देना चाहूंगा कि 9 फरवरी 2022 को रेलवे के सीईओ, केंद्र के सीईओ और उसे सचिव भी कहा जाता है, उनके साथ हमारे संगठन के माननीय मनोरंजन कुमार जी की बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया कि जितने भी माल गोदाम हैं उस माल गोदाम का जीर्णोद्वार, उनका कायाकल्प को बदला जाएगा और सभी माल गोदाम में पत्र लिखे गए हैं कि यथाशीघ्र सभी माल गोदाम का नवीनीकरण किया जाए। और साथ ही साथ कई मुद्दों पर भी चर्चाएं की गई है, जिसमें एक चर्चा है कि जो फिक्सेशन की बात हो रही है कि जो जिनका परमानेंट होगा उन लोगों को कितना वेतन मिलेगा इत्यादि की भी बात चल रही है। और जरूर, क्योंकि बात चल रही है तो उसका नतीजा जरूर आएगा, इसलिए निश्चिंत होकर सभी मजदूर भाई बंधुगण इसमें लगे रहें और आने वाले इस फरवरी महीने के अंत तक या मार्च के अंत तक आप सबों को यही मैं आशा के साथ कहता हूँ कि आपके हाथों में नियुक्ति पत्र होगा। भगवान करे कि आप लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र मिल जाए और आने वाले समय में ये 8 लाख मजदूर ये लोग 8 लाख मजदूर नहीं है बट ये 8 लाख परिवार सुखी संपन्न हो जाएंगे। 8 लाख को अगर एक परिवार में, एक मजदूर के परिवार में अगर 3 सदस्य हैं तो 8 लाख गुना 3 कर दीजिएगा 24 लाख मजदूर ये परिवार सुखी संपन्न हो जाएंगे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये मजदूर भाईगण आज के संडे के दिन के बाद से ईश्वर का आशीर्वाद को प्राप्त करते जाएं। धन्यवाद। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड बी ब्लेस्ड एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप एंड शाइन मोर देन द सन दैट यू सी ऑन द स्काई। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।